Hi guys, I'm back again with a new lesson that is part 8 on how to talk with your kids in English. अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में कैसे बात करें. So guys, कुछ बातें हम बच्चों के साथ करते हैं और कुछ उनके बारे में. So in this video, you will be learning both. I always repeat the sentence 2 times, so I recommend you to practice with me to get the fluency in English. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कर चुके हैं तो बेल के निशान को ज़रूर प्रेस करें, इससे आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी. So shall we start? क्या हम शुरू करें? क्या कहा आपने? Yes, all right, let's get started. बच्चों से तो कितनी सारी बातें करनी होती हैं. जब आप उन्हें नहलाते हैं, उन्हें सोप लगाते हैं, तब आप बोलते हैं अपने हाथ फैलाओ, स्प्रेड योर आर्म्स, या फिर आप बोलते हैं स्प्रेड योर आर्म्स आउट, स्प्रेड योर आर्म्स आउट, स्प्रेड योर आर्म्स आउट. फिर आप बोलते हैं अपने पैर फैलाओ, स्प्रेड योर लेग्स, स्प्रेड योर लेग्स, स्प्रेड योर लेग्स. या फिर आप ये भी बोल सकते हैं स्प्रेड योर लेग्स अपार्ट. शैम्पू करते वक्त आप बोलते हैं सिर झुकाओ, बेंड योर हेड, बेंड योर हेड, बेंड योर हेड. या फिर आप ये भी बोल सकते हैं बो योर हेड, बो योर हेड, बो योर हेड. ऑल राइट. फेस पे सोप लगाते समय आप बोलते हैं आँखें बंद करो, क्लोज योर आईज, या फिर आप बोल सकते हैं शट योर आईज, शट योर आईज, शट योर आईज. और आप ये भी बोलते हैं कि आँखें कस के बंद करना, खोलना मत, शट योर आईज टाइटली, डोंट ओपन, शट योर आईज टाइटली, डोंट ओपन, शट योर आईज टाइटली, डोंट ओपन. अब बच्चे होते हैं शरारती, आँखें तो उन्होंने खोल ही लें, अब हो रही है उन्हें प्रॉब्लम, तो वो कहते हैं मम्मा आँख में साबुन लग रहा है, मॉम द सोप हर्ट्स माई आईज, मॉम द सोप हर्ट्स माई आईज, मॉम द सोप हर्ट्स माई आईज. या फिर कहते हैं कि मेरी आँख में शैम्पू चला गया है, आई गॉट शैम्पू इन माई आईज, आई गॉट शैम्पू इन माई आईज, I've got shampoo in my eyes. तो आप बोलते हैं आँखें खोलो, मुझे धुलने दो, Open your eyes, let me rinse it off. Open your eyes, let me rinse it off. Open your eyes, let me rinse it off. Hand wash कराते समय आप कहते हैं हाथों को रगड़ो, Rub your hands together. Rub your hands together, rub your hands together. अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप बच्चे को ब्रश अपने हाथों से कराते हैं, तो आप ऐसे में बोलते हैं दांतों को सटाओ, यानी कि ऊपर और नीचे के दांतों को जोड़ो, तो आप बोलेंगे clench your teeth together, clench your teeth together. अब जब टंग क्लीन करानी है तो आप बोलते हैं जीभ बाहर निकालो, stick out your tongue, stick out your tongue, stick out your tongue. फिर आप कहते हैं कुल्ला करो, rinse your mouth, rinse your mouth, rinse your mouth. तो बहुत छोटा बच्चा होता है तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि आप कुल्ला करने के लिए उसे सिखाते हैं कि मुंह में एक घूंट पानी लो, फिर उसे गुलगुलाओ और थूक दो. उसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे टेक अ सिप एंड गार्गल देन स्पिट इट आउट, टेक अ सिप एंड गार्गल देन स्पिट इट आउट, टेक अ सिप एंड गार्गल देन स्पिट इट आउट. बच्चे को पाउडर लगाते समय आप बोलते हैं अपने हाथ ऊपर उठाओ, लिफ्ट योर आर्म्स अप, लिफ्ट योर आर्म्स अप, लिफ्ट योर आर्म्स अप. गर्दन पे पाउडर लगाना होता है तो आप कहते हैं अपना सिर ऊपर करो, लिफ्ट योर हेड, लिफ्ट योर हेड, लिफ्ट योर हेड. या फिर आप कह सकते हैं लिफ्ट योर चिन, लिफ्ट योर चिन, लिफ्ट योर चिन, मतलब अपनी ठुड्डी ऊपर करो.
या फिर आप ये भी बोल सकते हैं लुक अप, लुक अप, लुक अप, यानी कि ऊपर देखो। बच्चे की पैंट उतारते समय आप बोलते हैं अपना पैर उठाओ, लिफ्ट योर फुट, लिफ्ट योर फुट, लिफ्ट योर फुट। या फिर आप बोल सकते हैं लिफ्ट योर लेग। किसी पर्टिकुलर लेग के बारे में बोलना है यानी कि राइट या फिर लेफ्ट, देन यू कैन से लिफ्ट योर राइट फुट और लिफ्ट योर राइट लेग। हाथों में ग्लव्स पहनाना होता है तो आप बोलते हैं उंगलियों को फैलाओ, स्प्रेड योर फिंगर्स, स्प्रेड योर फिंगर्स, स्प्रेड योर फिंगर्स। बच्चे ने शर्ट या कमीज पहनी हुई है तो आप कहते हैं ना कि आस्तीन ऊपर की तरफ मोड़ लो, रोल अप योर स्लीव्स, रोल अप योर स्लीव्स, रोल अप योर स्लीव्स। बच्चे पढ़ाई करते वक्त या फिर फ़ोन पे गेम खेलते वक्त बहुत ज़्यादा झुक के बैठते हैं तो आप कहते हैं किताबों पर झुको मत, डोंट स्लाउच ओवर द बुक्स, डोंट स्लाउच ओवर द बुक्स, डोंट स्लाउच ओवर द बुक्स। फिर आप कहते हैं सीधे होकर बैठो, सिट अप स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट। कई बार बच्चे खड़े भी रहते हैं तो भी झुके से रहते हैं तो आप बोलते हैं सीधे हो जाओ, स्ट्रेटन अप, स्ट्रेटन अप, स्ट्रेटन अप। या फिर आप कहते हैं अपनी पीठ सीधी करो, स्ट्रेटन अप योर बैक, स्ट्रेटन अप योर बैक, स्ट्रेटन अप योर बैक। एक घुटने या फिर दोनों घुटने के सहारे ज़मीन पे बैठने को बोलते हैं नील डाउन। तो आप बच्चे से पूछते हैं कि आप घुटनों के बल क्यों बैठे हुए हैं, वाई आर यू नीलिंग डाउन, वाई आर यू नीलिंग डाउन, वाई आर यू नीलिंग डाउन। मैं बेड के नीचे अपनी बॉल ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई बॉल अंडर द बेड, आई एम लुकिंग फॉर माई बॉल अंडर द बेड, आई एम लुकिंग फॉर माई बॉल अंडर द बेड। आप किसी से कहते हो कि बच्चे को सुला दो, पुट द बेबी टू स्लीप, पुट द बेबी टू स्लीप, पुट द बेबी टू स्लीप। या फिर बच्चा किसी की गोद में है तो आप बोलते हैं बच्चे को झूला झुलाते हुए सुला दो, रॉक द बेबी टू स्लीप, रॉक द बेबी टू स्लीप, रॉक द बेबी टू स्लीप। बच्चा दोपहर में खेल रहा है तो आप कहते हैं चलो थोड़ा सो लेते हैं या फिर चलो थोड़ी नींद ले लेते हैं, लेट्स गो गेट सम स्लीप, लेट्स गो गेट सम स्लीप, लेट्स गो गेट सम स्लीप। फिर आप कहते हैं लेट कर सो जाओ, लाई डाउन एंड स्लीप, लाई डाउन एंड स्लीप, लाई डाउन एंड स्लीप। हमेशा याद रखिए कोई भी काम अगर एक काम को करने के बाद कहा जाए तो उसे इंग्लिश में एंड से जोड़ते हैं, जैसे कि नहा के कपड़े पहन लो या फिर जूते पहन के बाहर जाओ, नहा के कपड़े पहन लो, टेक बाथ एंड पुट ऑन क्लोथ्स, टेक बाथ एंड पुट ऑन क्लोथ्स, टेक बाथ एंड पुट ऑन क्लोथ्स। जूते पहन के बाहर जाओ, पुट ऑन शूज एंड गो आउट, पुट ऑन शूज एंड गो आउट, पुट ऑन शूज एंड गो आउट। या फिर बैठ के पढ़ाई करो, सिट डाउन एंड स्टडी, सिट डाउन एंड स्टडी, सिट डाउन एंड स्टडी। नेक्स्ट वन इज़ रियली कॉमन, सभी मॉम्स परेशान होती हैं जब आप अपने बच्चे को सुलाना चाहते हैं और बच्चा सो नहीं रहा है तो आप कहते हैं सोने की कोशिश करो बेटा, ट्राई टू स्लीप माई चाइल्ड, ट्राई टू स्लीप माई चाइल्ड, ट्राई टू स्लीप माई चाइल्ड। अब जब बच्चे को नींद आने लगती है यानी कि उसकी पलकें झपने लगती हैं तो उसे इंग्लिश में बोलने के लिए जो फ्रेजल वर्ब है वो है ड्रिफ्ट ऑफ, और ऐसे में कोई शोर मचा रहा है तो आप कहते हैं श, बेबी नींद में आ गई है, श, द बेबी इज ड्रिफ्टिंग ऑफ, द बेबी इज ड्रिफ्टिंग
ऑफ, द बेबी इज ड्रिफ्टिंग ऑफ। छोटे बच्चे कहीं भी सो जाते हैं तो आप किसी से कहते हैं कि बेबी को बिस्तर तक पहुंचा दो। प्लीज़ लिफ्ट द बेबी टू द बेड, लिफ्ट द बेबी टू द बेड, लिफ्ट द बेबी टू द बेड। अब जब बच्चा सो रहा है उसे नींद से जगाने के लिए आप बोलते हैं उठ जाओ, वेक अप, वेक अप, वेक अप। अब अगर आपको बोलना है कि उसे उठा दो यानी कि उसे जगा दो, तब आप बोलेंगे वेक हिम अप या फिर वेक हर अप, वेक हिम अप, वेक हिम अप। अब मान लीजिए बच्ची का नाम है विधि, तो आप पूछते हैं विधि क्या आप उठ गई, विधि आर यू अप, विधि आर यू अप, विधि आर यू अप। फिर विधि बोलती है हाँ माँ मैं उठ गई, यस मॉम आई एम अप, यस मॉम आई एम अप, यस। फिर आप कहते हैं मंजन करके फ्रेश हो लो, ब्रश योर टीथ एंड फ्रेशन अप, ब्रश योर टीथ एंड फ्रेशन अप, ब्रश योर टीथ एंड फ्रेशन अप। फिर आप कहते हैं अब नाश्ता कर लो, नाउ हैव योर ब्रेकफास्ट, नाउ हैव योर ब्रेकफास्ट। या फिर आप कह सकते हैं ईट योर ब्रेकफास्ट, ईट योर ब्रेकफास्ट, ईट योर ब्रेकफास्ट। Alright guys, that's all for today. I hope you would have liked this video. Even I'm sure you would have liked. So hit the like button and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon as well. I'll meet you in my next video. Till then, keep learning guys and keep practicing. Thanks for watching. Bye for now.